नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कई मंत्रालयों में बड़ा बदलाव किया है और अमित शाह को नई सरकार में अहम जिम्मेदारी मिली है। भारत सरकार की ओर से सभी कैबिनेट कमेटियों का पुनर्गठन किया गया है। केंद्र की नई मोदी सरकार में गृहमंत्री के रूप में अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर में परिसीमन के प्रस्ताव का शिवसेना ने स्वागत किया है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना के जरिए अमित शाह की तारीफ की है। शिवसेना ने लिखा है कि अमित शाह ने क्या करना तय किया है यह स्पष्ट हो गया है। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल एयरलाइन सीट आवंटन घोटाले के सिलसिले में आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हो पाएंगे। समूचा देश इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। गुरुवार को मौसम विभाग की ओर से देश के कुछ हिस्सों में तेज आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी और तूफान आ सकता है। बांग्लादेश की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री अंजू घोष बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। कोलकाता में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की उपस्थिति में अंजू ने बीजेपी की सदस्यता ली है। लापता विमान AN-32 का अभी तक सुराग नहीं मिला है। करीब 67 घंटे का समय बीत चुका है। बीते घंटों के साथ ही विमान में सवार क्रू मेंबर्स के परिवार वालों की भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। मौसम खराब होने के कारण सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार सुबह से फिर ऑपरेशन शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव 2019 के बाद भी राजनीतिक दलों में झड़प की घटनाएं सामने आ रही है। बुधवार रात प्रदेश के कूच बिहार में हुए ऐसे ही एक हंगामे के दौरान तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। लोकसभा चुनाव के शुरू होने से पहले रामलला के दर्शन के बाद सरकार के गठन के ठीक बाद एक बार फिर से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या आएंगे। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के सभी 18 लोकसभा सदस्यों के साथ संसद का आगामी सत्र शुरू होने से पहले अयोध्या की यात्रा करेंगे। सूडान में सैन्य कार्रवाई में 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की घटना के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र वहां से अपने कुछ कर्मियों को हटा रहा है। इसराइल में भारत के राजदूत पवन कपूर ने कहा कि वायु प्रदूषण भारत में मौत के सबसे बड़े कारणों में से एक है, जबकि इसी देश के महात्मा गांधी ने पर्यावरण संबंधी समस्याओं को उस वक्त समझा था जब यह लोगों के लिए चिंता का इतना बड़ा विषय नहीं था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार।